अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त का सालन। ये वाला सालन जो है खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बनाना जो है इसे बेहद आसान है। सालन जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज जो है हमने सालन बनाया है मिट्टी की हांडी में बनाया है। मिट्टी के हांडी के बने हुए करेले गोश्त जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं करेले गोश्त बनाना। इसके लिए हमने जो है 250 ग्राम करेले लिए हैं। करेले को जो है मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है और इसे जो है छील लिया है। अगर करेले को हम इस तरीके से छील कर बनाते हैं तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है, करेले जो है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तीनों करेले को हमें बिल्कुल इसी तरीके से छीलना है। तीनों करेले को मैंने बहुत ही अच्छे से छील लिया है और एक बाउल के अंदर जो है हम इस तरीके से इन्हें गोल गोल कट कर लेंगे। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे बीज हैं, अगर आपको बीज पसंद है तो सारे डालें, वरना बीज जो है हम इसके थोड़े से निकाल देंगे। एक चम्मच भर के डाला है मैंने इसके अंदर नमक। नमक डालने के बाद जो है इसे हम बहुत ही अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि इसकी सारी कड़वाहट निकल जाए। नमक लगाकर करेले को हम एक घंटे के लिए एक साइड रख देंगे। 8 ली है मैंने नॉर्मल साइज़ की प्याज, 4 जो है मैंने यहाँ पे सफ़ेद प्याज भी ली हैं, अगर आपके पास हैं तो ले, वरना आप इसे नॉर्मल प्याज से भी बना सकते हैं। 2 टमाटर, 700 ग्राम गोश्त को जो है मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके रख लिया है। एक घंटा पूरा हो गया है करेले को इसी तरीके से नमक में रखे हुए। एक बार और इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसको दबाते हुए जो है इसका सारा रस निकाल लेंगे। दोनों हाथों से दबाते हुए जो है इसका सारा हम रस इस तरीके से निकाल लेंगे और जब इसका रस निकल जाएगा तो छन्नी में डालकर इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। करेले का रस जो है मैं सारा इसी तरीके से निचोड़ कर निकाल लेना है। प्याज को मैंने इस साइज़ में कट कर लिया है, टमाटर को भी मैंने कट करके रख लिया है। हांडी को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और इसके अंदर जो है 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम करेले डालेंगे। करेलों को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके डाला है, अच्छे से मिक्स करें। अब दिखाएंगे हम गरम मसाला। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच जीरा, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 तेज़पत्ता और 5 से 6 लिए मैंने काली मिर्च। छोटा सा लिया है जावित्री का फूल। 1 चम्मच लिया है मैंने अचार का मसाला। जब करेले हल्के से फ्राई हो जाएंगे जब इसके अंदर हम ये मसाले डालेंगे। करेले जो है लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं। जो मैंने आपको गरम मसाला और अचार का मसाला दिखाया था वे दोनों मसाले मैं यहीं पर डाल दूंगी। आपको अगर करेले गोश्त की वीडियो पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने अगर हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। गोश्त डालने के बाद जो है मैंने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज भी हम यहीं पर डालेंगे और प्याज डालने के बाद जो है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। वाइट प्याज से अगर हम स्टू या करेले बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। 1 चम्मच भर के लिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। टमाटर भी मैंने यहीं पर डाल दिए हैं। सूखे मसालों में लिया है मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से ज़्यादा जो है थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखे मसाले मैंने सारे इसके अंदर एक ही साथ डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद जो है सब बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर सूखा अमचूर भी डालेंगे। अमचूर से जो है करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने जो है यहाँ पे 3 पीस अमचूर के लिए हैं। सूखा हुआ अमचूर जो है पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। सभी सामान बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम 250 ग्राम के करीब पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद जो है इसे कम हम 10 मिनट के लिए जो है हाई फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने जो है यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वजन रख दूँगी, जिससे कि भाप इसमें बहुत ही जल्दी से बन जाए। 10 मिनट के बाद जो है इसे मैं आपको चेक कराऊँगी। 10 मिनट पूरे हो गए हैं इसे पकते हुए। देखिए सालन में जो है बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। सालन में जो है काफ़ी सारा पानी है, ये जो है आसानी से इस पानी में पक जाएगा। 1 घंटे के लिए जो है इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। सिर्फ इसे बीच में जो है 2 से 3 बार चलाना है, जिससे कि सालन तले में लगे नहीं। यहाँ पर हम ढक्कन लगाएंगे और इसके ऊपर वजन रख देंगे, जिससे कि सालन बहुत ही अच्छे से दम में बन जाए। 1 घंटे बाद जो है इसे हम आपको चेक कराएंगे। 1 घंटा पूरा हो गया है इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए। देखिए सालन जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसने जो है थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 1 से 2 मिनट जो है हम इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया।
अच्छी खुशबू के लिए। देखिए सालन जो है काफ़ी अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कलर देखिए आप, माशाल्लाह इसका एकदम परफेक्ट आया है। खुशबू इसमें से काफ़ी अच्छी आ रही है। गोश्त भी काफ़ी अच्छे से टेंडर हो गया है। चेक कराऊंगी मैं आपको। देखिए आपके पास अगर हांडी नहीं है तो आप इसे खुले बर्तन में दम में इसी तरीके से बना सकते हैं, या आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम दम में वाला सालन बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें इसलिए डाला है कि करेले जो है थोड़े से सिलबिले हो जाएंगे। यहाँ पर जो है हम फ़ौरन से फ्लेम ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे। 5 मिनट बाद जो है हम आपको चेक कराएंगे। 5 मिनट में जो है देखिए सारी तरी ऊपर आ गई है। माशाल्लाह कलर देखिए आप, इसका एकदम परफेक्ट आया है। खुशबू जो है इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है और खाने में जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से। फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको करेले गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।